And who are you supporting? अगर आप नोट करेंगे तो मेरे पीछे मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद सुमी खड़े हैं और मुझे लग रहा है मेरा हार्ट फेल होने वाला है। इधर मो। डैनी, लेट्स डू दिस। बूम। बूम। क्या हाल हैं ब्रो? इस वक्त मैं हूँ अपने होटल रूम में इन दुबई ड्यूरिंग PSL. व्हाट इज लाइफ? बिफोर आई बिगिन एक दो अपडेट्स हैं. पहली तो ये कि जो बॉल मेरे पास मेरे टेबल पर हमेशा होती है वो मैं लेके आया, बट उन्होंने मुझसे एयरपोर्ट पर बॉल छीन ली, तो मेरे पास बॉल वाली अब नहीं है. होता है जिंदगी में, जिंदगी है, होता है. दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे आया कैसे, मतलब बगैर ड्रामा के, बगैर बॉलीवुड के, बगैर इंस्पिरेशनल टॉक्स के, जरा तुम बताओगे कि तुम यहाँ पे आए कैसे? यार मैं यहाँ पे ऐसे आया कि जब मैंने वीडियोस बनाई अपनी दो PSL के बारे में तो क्रिकेट जिफ ने मुझे कांटेक्ट किया कि यार आप हमारे साथ चलो एंड यू व्लॉग योर वे थ्रू आउट PSL एंड यू व्लॉग योर वे आउट ऑफ PSL, बट तुम हमारे साथ चलो. तो मैंने कहा सर 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 अगर आपको पता नहीं है कि क्रिकेट जिफ क्या है तो मैं आपको बताता हूँ. तो क्रिकेट जिफ इज बेसिकली एन ऐप, अ वेबसाइट, बेसिकली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म अबाउट ऑल थिंग्स क्रिकेट. क्रिकेट की हाइलाइट्स देखनी है आप यहाँ पे आओगे, स्कोर देखना है आप यहाँ पे आओगे, पिक्चर्स, मीम्स, शोज, एवरीथिंग. मतलब मुझ जैसे क्रिकेट फैन के लिए क्रिकेट जिफ उसका घर है. घर घर भी नहीं है, शायद बेडरूम है. अब जो मैं आ गया हूँ, हाउ डू आई फील लाइक आई एम ऑन द 8th sky. मतलब यहाँ पे दुबई में सीन ऑन हुआ है. मैं बता नहीं सकता आपको कि मुझे कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर. अच्छा अब मेरा PSL का प्लान क्या है? प्लान ये है भाई कि मैं करता ये हूँ कि मैं रोज़ यहाँ पे उठता हूँ अराउंड कोई 1-2 बजे और उसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ स्टेडियम के लिए अपने बॉयज के साथ, क्रिकेट जिफ के बॉयज के साथ. वहाँ पे फिर हम दोनों मैचेस गुजारते हैं. दुबई स्टेडियम में अभी तक मैचेस हुआ, शारजाह अभी तक गए नहीं है. और फिर रात को हम लोग वहाँ से फारिग होते हैं 12:30 बजे और फिर हम वहाँ से निकलते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं तो घर पहुँचते हैं अराउंड 3 बजे. सोते सोते मुझे हो जाते हैं 6 से 7. ये है मेरा पर्सनल प्लान फॉर PSL. अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इस वक्त बज रहे हैं 14:36. I am a bit late for the stadium, so I have to go now. I will see you there. It will be the best stuff. You will not have seen this ever before. Best stuff. Best. So day 2 of PSL, Karachi versus Multan chal raha hai andar. Shahid bhai hopefully bowling kar rahe honge. Dopahar mein pehli baar aaj ye stadium dekha jayega. यार मैं काफ़ी टाइम चाह रहा था कि मेरा कोई शॉट ले यहाँ वॉक करते हुए, लेकिन मेरे पास कोई बंदा नहीं था यहाँ पे. लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक नया नया ऑनर है बनाया हमें हमारे पुराने अजीज. हाउ आर यू मिस्टर अली? गुड गुड. कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? फिट जा रहा है. आपने मेरी शर्ट देखी? अरे दिखाए. ये मोदी है. ओए होए होए होए. और ये आप हैं? अब सीन ये कि बीइंग अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन, मेरे जहन में करोड़ों सवाल हैं जो मुझे जानने हैं अबाउट के स्टेडियम के अंदर कैसे क्या होता है, वो वैसे क्या करते हैं, ये किस तरह हाथ लगाने में कैसा फील होता है. बहुत मतलब शायद आप इन सवालों को स्टूपिड समझें अगर आप फ़ैन नहीं हो, लेकिन अगर आप फ़ैन हैं तो आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ. कोई चुक्कर बहुत सवाल हैं तो मुझे उन सब सवाल के जवाब जानने और मैं आज जान कर रहूँगा क्योंकि भाई जान सकता है. थैंक यू क्रिकेट जिफ. सबसे पहला सवाल मेरे जहन में यार कि मीडिया बॉक्सेस का सीन क्या होता है, मतलब जहाँ मीडिया बैठती है, जहाँ पे आर्टिकल लिखे जाते हैं, जहाँ पे वो जर्नलिस्ट जो हमने पता नहीं जिंदगी भर टीवी पे देखे वो वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ सीन क्या होता है? इज इट गुड? वहाँ पे AC होता है? लग रहा है मैं दुनिया के सबसे बड़े सबसे हाई डेफिनेशन टीवी के सामने बैठ के मैच देख रहा हूँ. एक बात और, मीडिया बॉक्सेस में जो खाना वाना खाते हैं लोग, तो वहाँ पे खाने में क्या होता है? चावल, चावल, सम दाल, सम सब्जी, सम चिकन, सम अदर चिकन, सम हॉटनेस, सम अदर चिकन. अच्छा और क्या क्या होता है मीडिया बॉक्स के अंदर, और मतलब क्या क्या हो सकता है ऑन अ गिवन डे, ऑन अ स्पेशल ओकेजन, बताओ. अच्छा मीडिया बॉक्स हो गया, अब मुझे जानना है भाई ये वाला सीरियस है,
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह होती है, किस तरह होती है से मतलब कि वहाँ पे सीन क्या होता है, वहाँ पे पूरी जगह कैसी होती है, मतलब यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, यहाँ पे सदाबहार हॉल की सीट्स लगी हैं, यहाँ पे हमारे बड़े बड़े स्टार स्टार लोग बैठेंगे, यहाँ से आएंगे अभी क्योंकि उस तरफ ग्राउंड है और फिर वो यहाँ आके बैठ जाए। लेकिन ब्रो इससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल अभी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे बैनर वगैरह लगा हुआ होता है, बैनर वगैरह, एक चीज़ में हमेशा वंडर करता था वो ये कि जो ये हमेशा बैनर लगा हुआ होता है ग्राउंड में, ये बैनर फील करने में कैसा होता होगा, तो आज मैं ये पता करने वाला हूँ। इसका तो टेक्सचर ही नहीं है, उसको तो लग रहा है मैं घास को हाथ लगा रहा हूँ, ये तो पेंट है, हालांकि पेंट नहीं हुआ, ये बैनर अलग से रखा हुआ है। भैया नवीद, ये तो पेंट है, नवीद ये पेंट है, कन्फर्म हो गया, गुड। मालूम करना था भाई, मालूम कर लिया, ख़त्म हो गई कहानी, ख़त्म, जिंदगी में इतना ही आगे बढ़ते। ये ड्रोन कहाँ है, ये मुझे ड्रोन देखना है, ड्रोन। तो ये सामने है हमारा प्यारा सा स्टेडियम और ये है मेरे पीछे ड्रोन ऑपरेटर जो ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं आप। ओए उधर ड्रोन, ये है ड्रोन। ओ आई 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 आजा, देखा मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर से घर अपना। लेकिन भाई आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो अभी आने वाला है। सवाल ये कि एक खाली स्टेडियम में वॉक करने की फीलिंग कैसी आती है। डे टू ख़त्म हुआ है अभी PSL का और इस वक्त मैं स्टेडियम के बीच में वॉक ऐसे कर रहा हूँ जैसे ये हिल पार्क है। सुबह के 7 बज रहे और मैंने 6:30 बजे डिसीजन लिया कि मैं हिल पार्क रनिंग पे जाऊँगा, फिर मैं रनिंग पे गया और फिर मुझे ख्याल आया कि रनिंग कल करूँगा, आज वॉक कर लेते हैं, तो मैं आज वॉक कर रहा हूँ ये। और ये मुझे बहुत अरसे से एक मेरा ख्वाब कह लें या एक एम कह लें था कि मैं स्टेडियम के अराउंड सारी सीट्स को देखूं और बस फीलिंग जो आ रही है वो मैं समझ रहे हैं। यार मैं इसकी बात नहीं कर रहा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सबसे कि डैनी भाई जो है हमारे डैनी मॉरिसन, क्या वो असल में इतने चिलिंग हैं या फिर वो असल में सीरियस हैं, बताओ। लेकिन जिफ आई नीड योर हेल्प। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं डैनी मॉरिसन के साथ कुछ शूट करने और पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई लव डैनी मॉरिसन। A little half century. What do you get out? Because you've got that there for me, haven't you? That information. Danny, are you nervous? Right. Hey? Are you nervous? No, I used to do links for the show. Hi, Danny Morrison here for Jubilee Insurance Super Over of the day. And the first one, oh, what a ripper. Liam Livingston smashing Shahid Afridi for 6. Abdullah, Ubaid, everyone. I'm very sorry, but I have a new best friend. Mr. Hi, Danny Morrison here. What a good chill one there. What chill one there. हो गए सवाल। चलो भाई अब एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। देख रहा है वो बोलता नहीं, किस दुनिया में क्या हूँ ढूंढ रही, कि अपने आप से वैसे तो मुझे सपोर्ट कराची को ही करना चाहिए क्योंकि मैं कराची से हूँ, लेकिन इस बार आपका भाई फुल न्यूट्रल जा रहा है। तो अभी कराची और लाहौर का मैच शुरू होने वाला है थोड़ी देर में और मैं यहाँ पिच में वॉक कर रहा हूँ और यहाँ पे कराची की टीम भी है मेरे पीछे और मेरे पीछे उस तरफ लाहौर की टीम भी है। आपका भाई फुल न्यूट्रल इसलिए जा रहा है बिकॉज दिस टाइम अराउंड इट्स अबाउट सो मच मोर फॉर मी देन जस्ट अ सिंगल टीम। तो अभी की अपडेट ये है कि दुबई में बारिश, मतलब कहाँ जाएं इस बारिश से बचने के लिए, मगर दुबई नहीं आएंगे तो कहाँ जाएं। एक तरफ मेरे यहाँ पे लाहौर वाले बैठे थे और एक तरफ मेरे यहाँ पे आई थिंक कराची वाले बैठे। छः बॉलों पे 23 और तीन विकेट्स हैं इस वक्त तीन विकेट के पास।
लेकिन मुझे लग रहा है हार गई कराची. अब क्या? कराची गई है ना? कराची पक्की गई. गई है कराची. कराची डग आउट एक्सट्रीमली साइलेंट. While on the other hand, these people are quite jubilant. हाँ भाई, नॉर्वेंस दिया. मिकी आर्थर भाई आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. किलने की भाई क्या बोलना है? It's about so much more than just a single team. यार नवीन, PSL में तुम आए हो तो इस बार तकलीफ आप नहीं बोलोगे भाई? नहीं बोलोगे? नहीं, किसी और से. And on that note, Danny M, तकलीफ.